जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री मन नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। भक्तों, आप जैसे देखते हैं श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव को सभी जानते हैं, वो सभी के फेवरेट श्री कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जी हैं। इनकी कथा में वो जादू है, वो मधुरता है, जो भी सुनता है बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इनकी कथा सुनना। और ख़ास करके इनकी वाणी में इतना सुंदर सुर है कि जब भजन गाते हैं भक्त या तो नाच के ठाकुर को मनाने लग जाते हैं, ठाकुर जी को, या रो के मनाने लग जाते हैं। और भजन का एक एक वर्ड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो हो आजकल चल रहा है वो भजन के अनुसार गुरुदेव गाते हैं। और इतना ही नहीं, श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव के बहुत करोड़ों लाखों से ऊपर के इनके फ़ैन हैं और सबसे बड़े यूट्यूबर हैं ये। और इतना ही नहीं, आस्था चैनल के माध्यम से भी कथा आती है और बताने जा रहे हैं हमारे सुपर हीरो यानी कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुदेव के बारे में, जो हीरो से भी किसी से कम नहीं और कट्टर सनातन है। और इतना बड़ी सोच है इनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की, और बनाने की नहीं, बना रहे हैं। दिन रात मेहनत करते हैं गुरुदेव, और जहाँ भी गए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या लंदन हो या फिर बहुत दुबई हो, शहर हो, कितने बड़े बड़े शहर हो, जहाँ भी गुरुदेव गए हैं सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के आए हैं। जिस पे बालाजी संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपते निरंतर हनुमत रघुबीरा। जिनका हनुमान जी का साथ हो, आशीर्वाद हो, वो भले किस चीज़ से डरे, किस चीज़ का, और मैन बातें गलत नहीं कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। और देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार जहाँ भी जाते हैं सबके दिलों में राज कर लेते हैं। इतना प्यारी शरारतें करते हैं, इतनी प्यारी कथा करते हैं हनुमत कथा, और इनके दीवाने, इनके पागल इतनी इस प्रकार हो जाते हैं जब इनका दर आते हैं दर्शन करने के लिए भक्त, ना कोई नीचे देखते हैं, सिर्फ नज़रें गुरुदेव पर टिकी रहती हैं। चाहे वो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, पिंडाल के ग्रैंड पे भी चढ़ जाते हैं और छत पे भी चढ़ जाते हैं, इस पागलपंदी चढ़ जाती है गुरुदेव के लिए कि हर कोई एक झलक पाने के लिए कितना समय से इंतज़ार करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में बहुत सरल स्वभाव है, इतने ऊँचाई, इतने बाउंसर, इतनी सिक्योरिटी, इतनी पावर्स के बाद भी, फिर भी हमेशा गरीब हो अमीर हो हमेशा एक समान मिलते हैं। और अब बताते हैं हम प्रदीप मिश्रा जी। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार तो पर्चे बनाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, तो इस प्रकार कुछ आजकल हर कोई लालची है, कोई कथा सुनने की भावना से आते हैं भक्त, तो कोई अपने पर्चे बनवाने की भावना से आते हैं, इस प्रकार भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी की कथा में तो ना दिव्य दरबार लगता है, ना पर्चे बनाते हैं, ना चमत्कार दिखाते हैं, ना किसी की पोल खोलते हैं। फिर इस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार की कथा में जो पब्लिक आती है, प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इस प्रकार रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक क्यों आई आखिर? क्योंकि महादेव जी पे विश्वास कर सब भक्तों की कथा के माध्यम से सभी को बता देते हैं कि कौन सा व्रत, कौन से मंत्र, कौन से क्या प्रिय है महादेव जी को, सभी भक्तों को बता देते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में हर कोई डिप्रेशन की ओर जा रहा है, हर कोई दुखी है, तो प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से सभी के लिए ये सूचना दे देते हैं और सभी को उपाय बता देते हैं महादेव। और फिर क्या, महादेव पर विश्वास करके सभी भक्त वो उपाय करते हैं, गुरुदेव पर विश्वास करके करते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। आप देख सकते हैं 22 जुलाई से हमारे सावन लग रहा है और बहुत ही आनंद आएगा, धूम धड़ाके से महादेव के लिए जल लेके आएंगे या जल चढ़ाएंगे, और कठिनाइयों से आता है जल देख सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। महादेव से प्रेम करते हैं सभी शिव भक्त, तो उनके लिए इतना तो करना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। आप देख रहे हैं और बताते हैं प्रेमानंद महाराज जी। जी हाँ, इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, इनके चर्चे भी काफ़ी हैं, इनका सत्संग भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत छाए हुए हैं और परम ज्ञान देते हैं, श्री राधा रानी सरकार का परम ज्ञान है इनको। और इतना ही नहीं,
रोज राधा रानी सरकार की हर चीज़, हर वस्तु रोज़ वस्त्र चेंज करते हैं और रोज़ इनको सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, रोज़ प्यारा से प्यारा श्रृंगार करते हैं। इनका ये श्रृंगार देखकर, इनके रूप देखने के लिए बहुत भक्त बहुत ज़्यादा काबले रहते हैं और भजन संध्या करताल के साथ बहुत ही प्रेम भाव से करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जब भजन सुनते हैं या राधा रानी आती हैं श्रृंगार करने के बाद, उनको बहुत प्रेम आंसू के साथ उनको निहारते हैं और अपने भाव भी अर्पित करते हैं श्री राधा रानी सरकार को। कहते हैं बरसाने वाली इसलिए नहीं कहते, वो बरसाने में रहती हैं, बरसाने वाली इसलिए कहते हैं कि वो की कृपा का सागर बरसा देती हैं। हम देवकी नंदन ठाकुर जी भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन में रहते हैं, सबसे सुपर हिट कथावाचक हैं जो हमारे कट्टर सनातनी हैं। ये भी अगर हमारे सनातन का कोई, हमारे धर्म का कोई विरोध करें कि वे अच्छे से खटिया खड़ी कर देते हैं। और आप देख रहे हैं जो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं कितना सुंदर स्वभाव है, गरीब हो अमीर हो सबसे मिलने एक समान जाते हैं और कथा भी इतनी प्यारी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको भक्त पसंद करते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं सभी को। और आप इनको बता, जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री मन नारायण, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। भक्तों आप जैसे देखते हैं श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव को सभी जानते हैं, वो सभी के फेवरेट श्री कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जी हैं। इनकी कथा में वो जादू है, वो मधुरता है जो भी सुनता है बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इनकी कथा सुनना। और ख़ास करके इनकी वाणी में इतना सुंदर सुर है कि जब भजन गाते हैं भक्त या तो नाच के ठाकुर को मनाने लग जाते हैं ठाकुर जी को, या रो के मनाने लग जाते हैं। और भजन का एक एक वर्ड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो हो आजकल चल रहा है वो भजन के अनुसार गुरुदेव गाते हैं। और इतना ही नहीं, श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव के बहुत करोड़ों लाखों से ऊपर के इनके फैन हैं और सबसे बड़े यूट्यूबर हैं ये। और इतना ही नहीं, आस्था चैनल के माध्यम से भी कथा आती है। और हम बताने जा रहे हैं हमारे सुपर हीरो यानी कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुदेव के बारे में, जो हीरो से भी किसी से कम नहीं और कट्टर सनातन हैं। और इतना बड़ी सोच है इनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की, और बनाने की नहीं बना रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं गुरुदेव। और जहाँ भी गए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या लंदन हो या फिर बहुत दुबई हो शहर हो, कितने बड़े बड़े शहर हो, जहाँ भी गुरुदेव गए हैं सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के आए हैं। जिस पे बालाजी संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपते निरंतर हनुमत रघुबीरा। जिनका हनुमान जी का साथ हो, आशीर्वाद हो, वो भले किस चीज़ से डरे, किस चीज़ का, और मेन बातें गलत नहीं कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। और देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार जहाँ भी जाते हैं सबके दिलों में राज कर लेते हैं। इतना प्यारी शरारतें करते हैं, इतनी प्यारी कथा करते हैं हनुमत कथा, और इनके दीवाने इनके पागल इतनी प्रकार हो जाते हैं जब इनका आते हैं दर्शन करने के लिए भक्त, ना कोई नीचे देखते हैं, सिर्फ नज़रें गुरुदेव पर टिकी रहती हैं। चाहे वो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, पिंडाल के ग्रेंड पे भी चढ़ जाते हैं और छत पे भी चढ़ जाते हैं, इस पागलपंदी चढ़ जाती है गुरुदेव के लिए कि हर कोई एक झलक पाने के लिए कितना समय से इंतज़ार करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में बहुत सरल स्वभाव है, इतने ऊँचाई, इतने बाउंसर, इतनी सिक्योरिटी, इतनी पावर्स के बाद भी फिर भी हमेशा गरीब हो अमीर हो हमेशा एक समान मिलते हैं। और अब बताते हैं हम प्रदीप मिश्रा जी, जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार तो पर्चे बनाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, तो इस प्रकार कुछ आजकल हर कोई लालची है, कोई कथा सुनने की भावना से आते हैं भक्त, तो कोई अपने पर्चे बनवाने की भावना से आते हैं, इस प्रकार भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी की कथा में तो ना दिव्य दरबार लगता है, ना पर्चे बनाते हैं, ना चमत्कार दिखाते हैं, ना किसी की पोल खोलते हैं। फिर इस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार की कथा में जो पब्लिक आती है
प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इस प्रकार रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक क्यों आई आखिर? क्योंकि महादेव जी पे विश्वास कर सब भक्तों की कथा के माध्यम से सभी को बता देते हैं कि कौन से व्रत, कौन से मंत्र, कौन से क्या प्रिय है महादेव जी को, सभी भक्तों को बता देते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में हर कोई डिप्रेशन की ओर जा रहा है, हर कोई दुखी है, तो प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से सभी के लिए ये सूचना दे देते हैं और सभी को उपाय बता देते हैं महादेव। और फिर क्या, महादेव पर विश्वास करके सभी भक्त वो उपाय करते हैं, गुरुदेव पर विश्वास करके करते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। आप देख सकते हैं 22 जुलाई से हमारे सावन लग रहा है और बहुत ही आनंद आएगा। धूम धड़ाके से महादेव के लिए जल लेके आएंगे या जल चढ़ाएंगे, और कठिनाइयों से आता है जल देख सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है।